दिग्विजय सिंह ने किया 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, बोले इस बार इंदौर के कलाकार संकट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होना है और ऐसे में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर में थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी चुनावी दौरे करने के बाद देर शाम इंदौर पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह कैलाश विजयवर्गीय पर चुटकी लेते हुए नजर आए। पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता समझदार हो गई है और यह सब जानते हैं कि सच बात क्या है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि इस बार कांग्रेस सत्ता में बहुमत के साथ आ रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के विधानसभा एक से बीजेपी प्रत्याशी है और वह लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के पास अब कोई विजन नहीं रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के अन्य चुनावी क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई विजन नहीं रहा है। जब भी उनकी कुर्सी हिलती है तो ये लोग धर्म को आगे ले जाते हैं और इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पर चुटकी लेने से भी सिंह नहीं चुके और कहा कि इस बार इंदौर के कलाकार संकट में है, बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है, जबकि वे कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में रही हो उसे अपने काम गिरने के बजाय विपक्ष पर हमला करना पड़े तो मान लीजिए कि उसे पार्टी की सरकार जा रही है। इस चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लड़ने के लिए उतारे गए हैं, लेकिन उनके पास विकास के नाम पर बताने के लिए कई मुद्दा नहीं है जो लोगों को बता सके। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह बात कही कि इंदौर के यहाँ के ही एक कलाकार संकट की सीट में फंसे हुए हैं। बगावत पर बोले यह बड़ी बात। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ा दुख होता है कि जब कोई अपना बागी होता है। बगावत के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंतर सिंह दरबार हमारे पुराने नेता हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते को लेकर भी उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि यह नेता बगावत पर उतर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी बागी हैं और कांग्रेस में भी हैं। पार्टी टिकट को लेकर जो मापदंड तय करती है, इस आधार पर यह टिकट जारी किए जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कही है बड़ी बात। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना था कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वायरल वीडियो है, उसमें नरेंद्र तोमर को सामने आकर सफाई देना चाहिए। उनकी चुप्पी इस मामले को संदिग्ध बना रही है। पूरे मामले की जांच होना चाहिए ताकि चुनावी दौर में जनता के सामने जो भी सच है वह आ सके। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लिए कमजोर सीटों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और इनकी संख्या करीब 5 दर्जन है, इसलिए उन्होंने पिछले 6 महीने से दौर शुरू कर दिए थे और लगातार बैठक भी की थी। यह वही सीटें हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला होगा। उन्होंने कहा इन सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसी उम्मीद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।